अगर पीने से मतलब कि तबीयत खराब हो चुकी है इसी पानी पीने की, कौन सा ईयर आप होगा? सेकेंड ईयर है तो थर्ड ईयर गए। अच्छा तो 3 साल हो गया है, इतना कम से कम जान लीजिए कि पानी आपको पीना होगा तो सिर्फ यहाँ पर एक ही वाटर कूलर है, वहाँ जाइए वहाँ से पीजिए पानी। पीजिएगा नहीं ये बता रहा हूँ क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए, ठीक है? पानी पियेंगे भाई बीमार होंगे, लगभग 20 लड़के बीमार हो चुके हैं। और जो भी CMP के विद्यार्थी हैं वो भी इस टंकी का पानी नहीं पिए, सभी के लिए है। CMP डिग्री कॉलेज, आप लोग देख ही रहे हैं कि लगभग 20 विद्यार्थी ऐसे थे जो बीमार पड़ चुके हैं इस पानी पीने की वजह से, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में यहाँ CMP डिग्री कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, उनको उनके पास दवा कराने के लिए अस्पताल में जो है जगह नहीं बचेगी अगर यही कंडीशन चलता रहा। आप लोग इसे शेयर कीजिए, और ऐसे व्यवस्थाएँ पूरे CMP डिग्री कॉलेज की हैं, मैं कितने जगह बताऊं आपको। आइए मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, मैं बता रहा हूं लगभग 20 विद्यार्थी जो है बीमार हो चुके हैं यही पानी पीने की वजह से। ये वाटर कूलर की कंडीशन है, ये कंडीशन भी देख लीजिए, और वो पानी अब आप लोग ना पिए क्योंकि लगभग 20 विद्यार्थी वहां से बीमार हो चुके हैं उसी पानी को पीने की वजह से। तो आप लोगों को उस टंकी का पानी अब नहीं पीना है, किसी भी विद्यार्थियों को एक ही वाटर कूलर सेफ है जो कि आपको प्रधानाचार्य कार्यालय जो है उसके सामने लगा हुआ है, उसको भी थोड़ा आप दिखा दीजिए कहीं से, वो दिख रहा होगा भीड़ वहाँ पर, तो वहाँ आप अगर पिएगा ये पानी अब कोई नहीं पिएगा इस टंकी का, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये छात्र संघ भवन है, इसके अंदर आके थोड़ा देखिएगा, छात्र संघ भंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है बिल्डिंगों की कोई भी देखभाल नहीं करेगा। ये कंडीशन है यहाँ की, आप देख रहे होंगे क्या कंडीशन पानी के गिरने की वजह से। हमारी गवर्नमेंट ने जल के लिए नियम लगाया है कि जल बचाओ अभियान, कई सारे अभियान चलाए गए हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जल बचाया नहीं जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। किस तरीके से ये टंकी जब चलने लगता है भर जाता है, ये आपको निशान की वजह से समझ में आ जाना चाहिए कि कितना पानी यहाँ पर डेली गिरता है, डेली पानी यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। तो ये छात्र संघ भवन की कंडीशन है, अंदर दिखाइएगा, ये भवन है, ये समझिए जैसे 200-300 साल पुराने बिल्डिंग हो जाते हैं या कोई जो है कोठी वगैरह हो जाती है, तो उस तरीके का इस यहाँ का कंडीशन है। आइए थोड़ा आगे आपको दिखाते हैं, ये है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। इतना अपमान मैंने किसी भी क्रांतिकारी का नहीं देखा जितना इस CMP कॉलेज में हो रहा है, इतना किसी भी कॉलेज में नहीं हो रहा है। इनकी कंडीशन आप पास से आकर देखते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, देख लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा कब बनाया गया था वो भी लिखा गया है, ठीक है? ये आपका 87 में बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं 1987 में संपन्न हुआ था, और इसकी कंडीशन क्या है ये भी आप देखिएगा कि साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं। इसीलिए छात्र संघ होता है विश्वविद्यालयों में अव्यवस्थाओं को फैलने से बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्या प्रतिक्रिया है कैसे चल रहा है वो आपको खुद देखने को मिल रहा है। ये भवन की कंडीशन है, ये माल्यार्पण हम लोगों ने किया था कुछ दिन पहले, अभी भी ये माल्यार्पण देखिए उसी तरीके से रखा हुआ है, कम से कम कुछ मालाएं तो उनके ऊपर है, नहीं तो पास आकर दिखाइएगा कि इनके ऊपर कितनी धूल कितनी मिट्टी जो है जमी हुई है, आप देखिएगा, ये देखिए इनका कंडीशन क्या है, आप खुद देख लीजिए, देख रहे हैं? तो ये कंडीशन है, चेहरा भी दिखाइएगा,
ये चंद्रशेखर जी की जब कंडीशन है तो और लोगों का क्या कंडीशन होगा, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है, और बगल में दिखा दीजिए कंडीशन, देखिए घुमा के दिखा दीजिएगा। ये कंडीशन यहाँ की है, कंडीशन ये है, चाहे जो उनके लिए स्पेशल ये क्षेत्र इनका है तो उसका ही कंडीशन है, तो आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर की क्या कंडीशन होगी। ठीक है, ऐसे ही हर विभाग की यहाँ पर कंडीशन है, कोई कुछ सुनता नहीं है, कोई कुछ कहने पर सुनता नहीं है, कहीं भी कुछ जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब खाने वाले हैं। मैं जब छात्र संघ की आपको दिखा चुका हूँ इस जगह की क्या कंडीशन है, जब से विश्वविद्यालय खुला है यही कंडीशन चल रहा है इस जगह का। अगर यहाँ पर साइकिल स्टैंड बना दें तो क्या व्यवस्थाएं नहीं ठीक होंगी, लेकिन उसका यहाँ पर पैसा दिया जाता है बच्चों के द्वारा, साइकिल का 5 रुपये, मोटरसाइकिल जो है दो पहिया उसका जो है 10 रुपये। तो ये कंडीशन है, यहाँ पर अगर बनवा दें तो ये जो है साइकिल स्टैंड के लिए पर्याप्त जगह है, लेकिन ये कौन करेगा, छात्र संघ करेगा, और उसके लिए छात्र संघ जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब देख रहे हैं जो भी व्यवस्थाएँ यहाँ पर चल रही हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक न एक दिन पूरे प्रशासन मिलकर विश्वविद्यालय को जिस तरह से चौपट कर रहा है आने वाले समय में भ्रष्ट कर देगा। आइए आगे, अब महिलाओं की व्यवस्था जो यहाँ पर है उसको दिखाएंगे आपको, कितनी व्यवस्थाएं महिलाओं के प्रति है, कोई बाथरूम की यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है, आप उसको भी देखिएगा। महिलाओं का ये टॉयलेट है उनका, इसे आप देख लीजिएगा कैसे बना हुआ है, दिखाइए इसको अंदर से दिखाइए। ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीएमपी डिग्री कॉलेज, संगठक कॉलेज जो है उसका ये कंडीशन है, ये देखिए। आइए आपको अब अंदर का दिखाते हैं कंडीशन, ना तो इसमें गेट है ना तो कुछ है, आप देख रहे हैं ये यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं ये पुरुषों के लिए है, कभी भी कोई भी साफ सफाई थोड़ा दिखाइएगा, पास में बैठकर दिखाइएगा कितनी गंदगी है, आप खुद समझ सकते हैं भैया कितना बदबू आ रहा है यहाँ से। ठीक है, सीएमपी डिग्री कॉलेज का जो ग्राउंड है ये हम लोग इस समय यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्राउंड के बारे में, आप लोगों के साथ पता नहीं होगा कि ये ग्राउंड जो है इसे इन्होंने लीज पे उठा दिया है, किराए पर दे दिया है। तो बताइए कि ये विश्वविद्यालय जो है वो इन ग्राउंडों को क्यों जो है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों लीज पे उठा रहे हैं, क्यों जो है बच्चों को, मतलब बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। 50 रुपये के लगभग 20 रुपये शायद लड़के जो है स्पोर्ट का देते हैं, तो ये भाई किसके लिए देते हैं, इसी के लिए देते हैं ना। ये व्यवस्था है कि इसे देखिए व्यवस्थाएं हो रही हैं, इसे प्राइवेट कर दिया गया है एक तरीके से, लीज पे दिया गया तो प्राइवेट ही हो गया समझे, उसे किराए पर ले लिया गया है। अब मैं यहाँ के वाचनालय को आपको दिखाऊंगा कि अभी 2 महीने हो गया है, 2 महीने क्रॉस हो चुका है, 2 महीने 16 दिन हो चुका है विश्वविद्यालय ओपन हुए, ये सीएमपी डिग्री कॉलेज आपका जो है यहाँ का 2 महीने 10 दिनों से अभी तक वाचनालय आपका जो है वो नहीं ओपन हुआ है। उसकी दशा आप देखेंगे तो जैसे कूड़ादान होता है, एक आप कह सकते हैं कि जैसे कि 200-300 साल पुराना उस तरीके का कंडीशन इस वाचनालय का है, उसको भी दिखाएंगे। आइए, ये आप देख रहे होंगे वाचनालय, ये सीएमपी डिग्री कॉलेज का वाचनालय है और इसकी कंडीशन क्या है ये भी आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से। कंडीशन ऐसा है कि अभी सामने जो है पार्किंग बना हुआ है बाइक का, तो यहाँ पर बाइक वगैरह पार्क हो रहा है और इस बंद हुए वो देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है वो 2-3-4-5 साल से ये बंद है। तो ये कंडीशन है इसका, अंदर के अगर आपको व्यवसाय यहाँ से तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा आपको बाहर से नज़ारा जरूर दिखाना चाहेंगे अंदर का क्या कंडीशन है। देखिए ये भी गेट है, इसकी क्या कंडीशन है आप इसको देखिए, ऊपर देख रहे होंगे कैसे आपको कूड़ेदान की तरफ पूरा टूटा फूटा लग रहा है। पैसा 50 रुपये हम लोग किस लिए देते हैं, एडमिशन कराते वक्त 50 रुपया लाइब्रेरी फीस लिया जाता है, उसमें आपका इसका भी फीस ऐड होता है। 2 साल विश्वविद्यालय बंद था, कोई पूछने वाला है कि वो आखिर 50 रुपया गया तो गया कहाँ। छात्र संघ के लिए 10 रुपया दिया जाता है, मैं पूछ 2 साल विश्वविद्यालय बंद था आखिर कारू, ये 3 साल से छात्र संघ भंग है, पैसा वो गया तो गया कहाँ, कोई पूछने वाला है, कोई नहीं है। ये सब पैसा जा कहाँ रहा है ये आप सवाल करेंगे। मेरा जो मुझे बताना था मैंने आपको बताया, मेरा जो काम था मैंने किया, आपको क्या करना है अब आपको ये देखना है। और इधर दिखाइएगा थोड़ा, ये आपका जो है हॉस्टल है सीएमपी डिग्री कॉलेज का हॉस्टल, यहाँ खड़े हो तो ये जो सीएमपी डिग्री कॉलेज का हॉस्टल देख रहे हैं लगभग 5 से 6 सालों से जो है ज़्यादा ही हो गया शायद, इस पे जो है वो पीएससी रहती है, बनाया गया है छात्रों के लिए, आम छात्रों के लिए जो कि दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पर और 4,000-5,000 रुपया देकर इस छात्रावास के लिए ही तो आए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं, वो जो है कहीं और किराए पर रूम लेकर रहते हैं, ये छात्रावास में पीएससी रहती है।
यहाँ मतलब किस लिए बनाया गया था छात्रावास और यहाँ पर हो क्या रहा है, आप अपने से सोचिए कि ये विश्वविद्यालय सीएमपी डिग्री कॉलेज आपके लिए सही कर रहा है या गलत, क्या गलत है क्या सही है, आपको मैं सब दिखा रहा हूँ। तो ये छात्रावास बच्चों का है, ना कि पीएससी वालों का है, और इसमें निवास पीएससी कर रही है, बच्चों की इसमें एंट्री नहीं है, केवल नाम मात्र के छात्रावास बना हुआ है, इसका भी आप लोगों से पैसा लिया जाता है। आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, कोई पूछने वाला है, कोई नहीं है। तो इसके लिए आप आवाज़ उठाइए, और हमने जो है अभी इसके लिए बात किया है, प्रधानाचार्य आज नहीं थे, वो जैसे ही आते हैं फिर उनसे बात करेंगे, वाइस प्रिंसिपल मैम थी उनसे बात किया हूँ, जल्द से जल्द ये सब कार्रवाई की जाए, आपका वस्त्रालय ओपन कराया जाए। ऐसे कब तक अव्यवस्थाएँ चलती रहेंगी, पानी कितनी अव्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर, टॉयलेट कितनी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर, कितनी अव्यवस्थाएँ आपको बताऊँ कि यहाँ पर सारी अव्यवस्थाएँ हैं। इसी के साथ मिलेंगे आपसे जरूर कुछ निर्णयों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हर एक विद्यार्थी के पास शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ताकि उनको भी पता चले कि उनकी व्यवस्थाएं क्या हैं। ये हॉस्टल आप लोगों को मिलना चाहिए, आपको यहाँ पर जो भी फीस इसका होगा वो आपको देकर हॉस्टल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 5,000-6,000 रुपये आप देकर बाहर किसी किराए के मकान में रहते हैं वो आपके लिए सुटेबल है, या आपको हॉस्टल मिले वो ठीक है, हॉस्टल आप लोगों के लिए है, लेकिन हॉस्टल आपको नहीं मिल रहा है। हॉस्टल में पीएससी जो है इस समय बैठी हुई है, वो अपना निवास बनाई हुई है, कब्जा करी एक तरीके से कह सकते हैं, पूरा उनका कब्जा है वहाँ पर, वो आप लोगों के लिए है ना, तो आपको मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है।